जो इंसान संघर्ष से परिचित नहीं होता वह कभी जहान में चर्चित नहीं होता। संघर्ष करने का समय आ गया है, रात भर जागकर पढ़ाई करने का समय आ गया है। जो होना था वो हो गया, जितना समय बर्बाद किया वो सब खो गया। लेकिन अभी भी थोड़ी सी बाकी है मोहलत, सब ठीक हो सकता है अगर तू कर ले थोड़ी सी मेहनत। अगर अभी भी नहीं जागा तो बहुत देर हो जाएगी, तेरी जिंदगी गुमनाम में कहीं खो जाएगी। सच को स्वीकार कर लो, यही असली ज्ञान है। जो अपनी मेहनत से कुछ कर दिखाए वही तो महान है। सपने मत लक्ष्य बनाओ, पढ़ाई में मेहनत के आगे हर चीज फीकी लगने लगे। रातों को नींद ना आए और सुबह की नींद तोड़कर तू उठने लगे तो समझ लेना तुम तैयार हो। सुबह के नाश्ते और रात के खाने की फिक्र ना लगे। अनजान सी किताब जब दोस्त लगने लगे तो समझ लेना तुम तैयार हो। तुम तैयार हो, तुम्हारा समय बदलने वाला है, तुम्हारे पीछे ये सारा जमाना चलने वाला है। सपने तो सब देख लेते हैं लेकिन पूरे नहीं कर पाते। हार जाते हैं कुछ लोग क्योंकि वह खुद से जीत नहीं पाते। अगर कुछ कर दिखाना है तो नींद चैन त्यागने का इरादा करो। जितनी सोचते हो कोशिश उससे ज्यादा करो। हार नहीं मानोगे कभी, खुद से ये वादा करो। क्या तुम नहीं चाहते कि जब तुम टॉपर करो तो तुम्हारे माँ बाप की आंखों में खुशी के आंसू आ जाए? क्या तुम नहीं चाहते हो कि जब तुम जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करो तो अपने माँ बाप के उन अधूरे सपने को पूरा कर पाओ जो शायद तुम्हारी तरक्की के लिए अधूरे छोड़ दिए थे? तो जब भी मन में ये विचार आए कि आज तो बहुत पढ़ लिया, आज के लिए इतना ही काफी, अब सो जाता हूँ, तो याद कर लेना यही सोच तुमको जिंदगी में बहुत पीछे ले जाएगी। अपने मन से कहो, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, अभी बहुत कुछ करना बाकी है, अभी और पढ़ना बाकी है। आपने अपनी जिंदगी के लिए बहुत कुछ अच्छा, कुछ बड़ा तो सोचा ही होगा। और यह भी जानते होंगे कि सपने देखने से सच नहीं होते, बल्कि उनके लिए दिन रात खुद से जंग लड़नी पड़ती है। अपनी बुरी आदतों को बदलना पड़ता है, क्योंकि अगर आपने बुरी आदतों को नहीं बदला तो ये आदतें एक दिन आपका वक्त बदल देगी और आपको वह दिन देखने पड़ेंगे जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। और सबसे बुरी आदत है आपका ये सोचना कि आज के लिए बस इतना ही काफी। इतना ही काफी नहीं है मेरे दोस्त, इतना काफी नहीं है। तुम्हारी जिंदगी का मकसद पूरा करने के लिए इतनी मेहनत काफी नहीं है। खोलो इन किताबों को, इनमें अपना सुनहरा भविष्य देख लो। तुम्हारे हर सवाल का जवाब, तुम्हारी बंद किस्मत की चाबी इन किताबों में है। और जिस दिन तुमको ये बात समझ में आ गई, कभी पढ़ते समय नींद नहीं आएगी। अगर इस वीडियो में कही गई मेरी बातें समझ में आए तो एक बार फिर से खुद को याद दिलाओ कि तुम क्या बनना चाहते हो, क्या हासिल करना चाहते हो। और पूछो खुद से कि जितनी मेहनत तुम अभी कर रहे हो क्या वो काफी है। सच कहूं तो जवाब ना ही आएगा, और इस ना को हां में बदलना तुम्हारा काम है। मेरा काम था तुमको याद दिलाना जो मैंने कर दिया। मैं मोटिवेट करता रहूंगा, तुम मेहनत करते रहना, लेकिन इतना याद रखना कि जब तक सिग्नेचर ऑटोग्राफ में ना बदल जाए कभी अपने जीवन में रुकना नहीं।